वेलकम टू द चैनल अरवी फंटासी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WNBA का जो मैच होने वाला है न्यूयॉर्क लिबर्टी वर्सेज सिएटल स्टॉर्म के बीच में। वैसे तो दोनों टीम अपने यहाँ पर लास्ट का एक एक मैच यहाँ पर लॉस होकर आ रही है और दोनों टीम में यहाँ पर सिएटल स्टॉर्म थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन यहाँ पर उनके जो स्टार प्लेयर है वो यहाँ पर आज का मैच भी यहाँ पर खेल नहीं रहे और रिसेंटली दो मैचेस भी यहाँ पर खेले नहीं। तो कंपेरेटिवली दोनों टीमें यहाँ पर इक्वली स्ट्रांग है क्योंकि सिएटल स्टॉर्म की तरफ से उनके स्टार प्लेयर यहाँ पर खेल नहीं रहे। बाकी बात करेंगे प्रोबेबल स्टार्टर प्लस यहाँ पर इंजरी अपडेट्स। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर दोनों लिंक वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले सिएटल स्टॉर्म की तरफ से अगर बात करूँ तो यहाँ पर स्वीपर जो कि यहाँ पर खेल नहीं रहे, बाकी इंजरी अपडेट्स कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर खेल नहीं रहे। जब से यहाँ पर ओलंपिक से आई है तब से अभी तक फिलहाल यहाँ पर टीम के साथ जुड़ी नहीं। बाकी अगर फाइनल अपडेट आ जाता है, अगर यहाँ पर ये खेल जाती तो फिर यहाँ पर इनको पिक कर दूंगा। फिलहाल जय गांडा इनकी जगह पर स्टार्ट करेंगे, लॉर्ड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, टैबलॉट यहाँ पर खेलती है एज ए बैंक प्लेयर। अगर ये प्लेयर स्टार्ट कर दे तो ठीक ठाक प्लेयर यहाँ पर ये मिल जाएंगी। बाकी स्टूबर जो कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये प्लेयर ओलंपिक खेल कर आ रही, लेकिन यहाँ पर ये भी प्लेयर यहाँ पर खेल नहीं रही। केलाउ सैमुलसन से यहाँ पर खेलती है लेकिन टाइम इनको थोड़ा सा कम मिलता है। और रसल यहाँ पर स्टार्ट करती है सेंटर से, तो यही इनके यहाँ पर प्रोबेबल फाइव स्टार्टर है। अगर यहाँ से बात करूँ प्रिंस आपको यहाँ पर शूटिंग गार्ड सेक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करते हुए दिखेंगी। तो ये लास्ट मैच के फाइव स्टार्टर थे, प्रोबेबली यही यहाँ पर आपको एज ए स्टार्टर करते हुए दिखेंगे। केलाउ सैमुलसन को आप अवॉइड कर सकते हो, जेल में इनको ट्राई करना। बाकी यहाँ पर सभी जो स्टार्टर है सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैंडा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ यहाँ पर लेआउट इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ रसल इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर ये जो प्लेयर है ये बाकी के प्लेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप रिस्क ले सकते हो तो वो ले सकते हो केलाउ सैमुलसन पर। इन पर मे भी आप पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है स्मॉल लीग में, आप इनको यहाँ पर जेल में ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत कम मिलेगा। बाकी जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था तो लास्ट मैच में यहाँ पर लेआउट की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। गार्ड सेक्शन से ऑफेंसिव चार्ज यहाँ पर हैंडल कर रही थी और यहाँ पर फील्ड गोल से यहाँ पर 13 यहाँ पर इन्होंने शॉट्स अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 7 इनके कनेक्ट हो गए थे। और थ्री पॉइंट भी देख सकते हैं आप, 9 इनके थ्री पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड थे। बाकी बेस्ट एसपी चॉइस के लिए यहाँ पर मैं रिकमेंडेड करूँगा 26.5 रिबाउंड 1 असिस्ट और 5 स्टील इनके तरफ से लास्ट मैच में यहाँ पर आए थे। बाकी कंडा 38 मिनट खेलकर 9.4 रिबाउंड उसके साथ साथ 5 असिस्ट और 2 स्टील ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हो। प्रिंस की तरफ से एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था, डिफेंसिवली यहाँ पर रिबाउंड से अच्छे खासे पॉइंट दे दिए थे, 13.7 रिबाउंड और 4 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे। बाकी रसल इनका टाइम थोड़ा सा यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, रीज़न है कि यहाँ पर स्टीवर्ड खेल नहीं रहे और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैकबर्गर का भी टाइम यहाँ पर बैंक से इंक्रीज हुआ है। बाकी इस प्लेयर ये प्लेयर बिल्कुल भी मिस करने जैसे प्लेयर नहीं मैकबर्गर, इनके बारे में फिलहाल सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। जब यहाँ पर मैच यहाँ पर ख़त्म हो गए थे, मतलब ओलंपिक के मैच स्टार्ट होने वाले थे, उससे पहले मैकबर्गर ने यहाँ पर सभी मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और अभी फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट किया है तो अभी भी यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। जीएल में आप इनको यहाँ पर SPPP ट्राई कर सकते हो, इवन इनको आप यहाँ पर स्मॉल लीग में भी यहाँ पर एज ए SPPP जाकर लेकर जा सकते हो। सेंटर से खेलेंगे, रिबाउंड प्लस यहाँ पर पॉइंट देंगी, डंक बहुत बढ़िया करती है। बाकी यहाँ पर ये प्लेयर बेस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये इस टीम की तरफ से स्टार प्लेयर। न्यूयॉर्क लिबर्टी की तरफ से अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एज ए स्टार्टर यहाँ पर लॉन्सेस और व्हाइट का यहाँ पर स्टार्ट करते हुए दिखेंगी। हावर बेस्ट प्लेयर है, आज का मैच भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और लास्ट मैच यहाँ पर जो खेली थी तो वहाँ पर इनके तरफ से बेस्ट आया था। बाकी यहाँ पर बेंजित लैन यहाँ पर आपको एज ए स्टार्ट करते हुए दिखेंगे और रोनी और यहाँ पर स्टार्ट करेंगी सेंटर से। तो ये वही इस टीम के यहाँ पर प्रोबेबल फाइव स्टार्टर। न्यूयॉर्क की तरफ से अगर स्टार प्लेयर की अगर बात करूँ तो व्हाइट कैम इनके स्टार प्लेयर है, उसके साथ साथ हाइवर्ड एक यहाँ पर पंट पिक मिल जाएंगी। बेस्ट SPPP चॉइस के लिए रिकमेंडेड। बाकी यहाँ पर लेनी को आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पावर फॉरवर्ड सेक्शन से इनसे बेटर पिक आपको कोई मिलेगा नहीं। बाकी लॉन्सेस या फिर व्हाइट कैम दोनों में से किसी एक को आप स्मॉल लीग में पिक कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ओनी ओवर को मे भी यहाँ पर मैं ड्रॉप करूँगा। बाकी यहाँ पर ये प्लेयर भी बढ़िया है लेकिन यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्रेडिट का इशू आ रहा है और प्लेयर का भी इशू आ रहा है। बाकी ओनी ओवर का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 20 मिनट खेलकर 6.3 रिबाउंड जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी यहाँ पर ये खेली थी 31 मिनट 12.4 रिबाउंड और 1 असिस्ट, तो थोड़े से यहाँ पर एवरेज भी प्लेयर है। बाकी लैनी फॉर सेक्शन से खेलेंगी, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 12.2 रिबाउंड 4 असिस्ट और 2 स्टील ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था। फील्ड गोल से यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, 15 शॉट इनके अटेम्प्ट यहाँ पर इन्होंने किए थे। बाकी व्हाइट कैंपा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक आया था, 3 स्टील इनके तरफ से आए थे 12 पॉइंट और उसी के साथ साथ 5 रिबाउंड और 5 असिस्ट। हावर्ड का परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस लास्ट मैच में यहाँ पर देकर आ रही है, डबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते और फील्ड गोल से इनके 22 शॉट्स यहाँ पर अटेम्प्टेड थे, 13.4 रिबाउंड और 1 असिस्ट। बेस्ट PP चॉइस के लिए यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा।
लाउसेंस की अगर बात करूँ तो लाउसेंस या फिर वाइटकैम दोनों में इसके सेव को यहाँ पर पिक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों प्लेयर बेटर है, लेकिन यहाँ पर वाइटकैम को थोड़ा सा यहाँ पर बेटर टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर लाउसेंस। ये लास्ट मैच का परफॉर्मेंस और जो सेकंड मैच का परफॉर्मेंस रहा था, लाउसेंस यहाँ पर खेली थी 21 मिनट और वाइटकैम यहाँ पर खेली थी 30 मिनट। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर लाउसेंस के साथ जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर वाइट कैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पर बनकर आएंगी सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, और थोड़ा सा इनको यहाँ पर टाइम भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसके वजह से आप इनको यहाँ पर पिक कर सकते हो। बाकी इस टीम की तरफ से अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इनके पास यहाँ पर जॉनसन एक बेटर बेंच पे प्लेयर है जिनको आप यहाँ पर मैं रिकमेंडेड करूँगा स्मॉल लीग में। बाकी प्लेयर थोड़े से मुझे एवरेज लगते हैं, रिचर्डसन को लेकर जा सकते हो या फिर यहाँ पर रिचंडा ग्रे को यहाँ पर आप लेकर जा सकते हो। बाकी ज़्यादा इनको मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। जॉन्स को अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो इनको यहाँ पर लेकर जा सकते हो, एक क्रेडिट के प्लेयर है, पॉइंट गार्ड से खेलेंगी। जॉनसन का लास्ट मैच कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले जो सेकंड मैच रहा था तो वहाँ पर इनके तरफ से परफॉर्मेंस ठीक ठाक आया था, 10.4 रिबाउंड और 2 असिस्ट इनके तरफ से आए थे। फील्ड गोल से यहाँ पर इन्होंने 11 शॉट्स यहाँ पर अटैम्प्ट किए थे। बाकी अगर बात करूँगा यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम, तो यहाँ पर कैंडा आपके लिए यहाँ पर बेस्ट पिक यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगी। यहाँ पर अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, इनको यहाँ पर लेके जा सकते हो। लाउड और फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक, और वाइट कैम या फिर लाउसेंस दोनों में से किसी एक को यहाँ पर पिक कर सकते हो। फॉरवर्ड सेक्शन में आपके पास यहाँ पर हॉवर्ड एक बेस्ट पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगी जो कि यहाँ पर पीपी के लिए भी यहाँ पर मैं रिकमेंडेड करूँगा। बाकी यहाँ पर बेंजेट लेनी, इनके अलावा आपको कोई बेटर पिक मिलेगा नहीं। केलाउ सैमुलसन जो कि यहाँ पर टाइम बहुत कम मिलते, रिचा ग्रे और यंजॉय इनके यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करूँगा, और स्टीवर्ड यहाँ पर खेल नहीं रहे। बाकी यहाँ पर यही दोनों प्लेयर है जिनके साथ आप यहाँ पर जा सकते हो, और उसमें से यहाँ पर मुझे लेनी सबसे बेस्ट लग रही है। क्रेडिट थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड सेक्शन से इनसे बेटर पिक कोई मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सैमुलसन बहुत कम टाइम यहाँ पर खेलते हुए आपको दिखेंगे। रसल लास्ट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रही है, क्योशुक के लेंगे एज ए बैंक प्लेयर, टाइम थोड़ा सा इनको कम मिलता है। ओनिवर के साथ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ पर एट प्लेयर ऑप्शन है, तो एट प्लेयर ऑप्शन के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंस, इनको यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो लॉर्ड को, दोनों में से किसी को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रिंस को ड्रॉप कर रहा हूँ, प्रिंस की जगह पर यहाँ पर मैक बगर लेकर जा रहा हूँ। प्रिंस जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और मैक बगर जो कि यहाँ पर खेलेंगे एज ए बैंच प्लेयर, लेकिन यहाँ पर मैक बगर कई ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैन से आपको रिबाउंड प्लस पॉइंट और स्टील और ब्लॉक से भी बेस्ट पॉइंट यहाँ पर दे देंगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंस को यहाँ पर रसल की जगह पर ले सकते हो या फिर ले सकते हो लॉर्ड की जगह पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की। लॉर्ड जो यहाँ पर हाल ही सिलेक्शन परसेंटेज ऑफ इनका ESP भी है, और इनके अलावा कोई बेटर पिक आपको मिलेगा नहीं। बाकी हाँ, एक चेंजेस आप कर सकते हो, ओनिवर या फिर प्रिंस दोनों में से किसी एक को यहाँ पर ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रिंस के साथ जा रहा हूँ, ओनिवर जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, प्रिंस भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रिंस थोड़ी सी यहाँ पर बेटर लग रही है क्योंकि यहाँ पर स्टीवर यहाँ पर खेल नहीं रहे, उसी के साथ साथ यहाँ पर इनके तरफ से यहाँ पर स्वीपर खेल नहीं रही जो कि यहाँ पर शूटिंग गार्ड की प्लेयर है, और प्रिंस का यहाँ पर टाइम लास्ट मैचेस में इंक्रीज हुआ है एज अ स्टार्टर करते हो, तो इसी की वजह से यहाँ पर मैं प्रिंस के साथ जा रहा हूँ। आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है ओनिवर के साथ जा सकते हो, ओनिवर का लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टाइम भी कम मिला था लास्ट मैच में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो सेकंड मैच खेली थी तो यहाँ पर भी 12.4 रिबाउंड और 1 असिस्ट इन्होंने दिए थे, तो टाइम भी अच्छा खासा मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस टाइम के हिसाब से आया नहीं था। बाकी प्रिंस लास्ट मैच में देख सकते हो सबसे बेस्ट टाइम खेली थी, 37 मिनट खेलकर 13.7 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 स्टील इनके तरफ से आया था, तो प्रिंस कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ पर बेटर पिक यहाँ से लग रही है। बाकी अगर ESPP चॉइस की अगर बात करूँ तो लोअर सबसे बेस्ट ESPP चॉइस, और PP चॉइस के लिए हॉवर्ड यहाँ पर बेस्ट मुझे लग रहा है। PP चॉइस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, लास्ट मैच में देख सकते हो 22 इनके यहाँ पर फील्ड गोल से शॉट्स अटेम्प्टेड थे, 30 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर शूट किए थे। बाकी सेकंड ऑप्शन अगर यहाँ पर बताऊँ तो वाइट कैम्प आपके पास अवेलेबल है या फिर आपके पास रसल अवेलेबल है। अगर कुछ ना हो सके तो यहाँ पर रसल के यहाँ पर जेल में आप यहाँ पर ESPP और PP भी ट्राई कर सकते हो, और मैक बगर जो कि यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर ESPP के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिकमेंडेड चॉइस यहाँ पर मैं बोलूँगा स्मॉल लीग में। इसके साथ भी आप इनके साथ जा सकते हो अगर 6 मेंबर खेल रहे हो। बाकी ये थोड़ा सा यहाँ पर सेफ कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है, हवर की जगह पर आप यहाँ पर वाइट कैम्पा को भी यहाँ पर PP ट्राई कर सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो मैक बगर को, तो दोनों में से किसी को यहाँ पर आप PP ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर लेने को लेकर जा सकते हो GL में एज ए यहाँ पर ESPP। बाकी ये मेरे ऑलमोस्ट फाइनल ड्रीम इलेवन टीम है, कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं, ये टीम सेव करके रखना। इवन यहाँ पर इस टीम में कोई अगर चेंजेस हुए तो यहाँ पर फाइनल टीम और फाइनल अपडेट यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। बाकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है जो यहाँ पर लाइनअप है उसमें चेंजेस होने की, और सभी प्लेयर यहाँ पर आपको स्टार्ट करते दिखेंगे एक्सपेक्ट मैक बगर, लेकिन ये प्लेयर भी आपको बैन से यहाँ पर 25+ मिनट यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे।
बाकी आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, उसी के साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।